मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं आर एम टेलीकॉम शॉप। दोस्तों आज मैं लेके आया एक नोकिया का मोबाइल जो कि कस्टमर ने दिया है। क्या हुआ है इस मोबाइल में, कस्टमर हाथ से मोबाइल गिर गया है बट उसके बाद ये चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज दिखा रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है, चार्जर लगा रहे हैं, चार्ज हो रहा है, शो कर ऑन हो रहा है, ठीक है, बट ऑन ऑफ स्विच प्रेस करके रखे कोई ऑन ही नहीं हो रहा मोबाइल। ठीक है, तो चलो यहाँ शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये जो मोबाइल है इसका मॉडल देखिए नोकिया 1133 मॉडल नंबर इसका। ठीक है, नोकिया का है तो ये ऑन नहीं हो रहा है इसमें। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। ये मोबाइल हाथ से गिर गया, पूरा टूट गया है मोबाइल। ठीक है, तो ऑन नहीं हो रहा है, तो देखते हैं क्या हुआ है इसमें। ये वाला पार्ट भी उठा लेते हैं इसका, इसको भी निकाल देते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे मल्टीमीटर लेना है। ठीक है, मीटर लेना है हमको, चेक करना है हमको। ठीक है, क्या चेक करना है, हम उसका बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ठीक से लगाइएगा। ठीक है, तो बैटरी लगा दिया मैंने इसको। ठीक है, देखिए अभी चार्ज में दिखा दे रहा हूँ आपको। प्लस में प्लस लगाना है आपको, माइनस में माइनस। ठीक है, बैटरी का है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, देख सकते हैं प्लस कौन सा माइनस कर रहा है, उसके हिसाब से लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग का जो ऑन ऑफ स्विच में है, यहाँ पे हम लोग का ज़्यादातर 3.7 वोल्ट या कुछ, ठीक है, उसके ऊपर वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। चलिए बैटरी को इसमें लगा देते हैं, बैटरी का 20 में सेट करा देते हैं, उसके बाद चलिए चेक करते हैं। तो माइनस में माइनस लगा दीजिए, बीच वाला जो होता है पॉइंट और प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे मीटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे बैटरी का कुछ भी शो ही नहीं कर रहा है, बैटरी का कोई वोल्ट ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए ऑन ही नहीं हो रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आया। तो मेनली देखिए इस तरह का जो मोबाइल होता है नोकिया का, इसका यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, इसका माइनस ग्राउंड जो है प्लस पॉजिटिव पॉइंट से इसे आपका कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए बीच वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बीच वाला जो है तो पॉइंट वो पॉजिटिव होता है और इसका साइड में ग्राउंड आता है। तो मैं पहले माइनस में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सही तरह से कनेक्शन आ रहा है कि नहीं माइनस में। सॉरी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी रेंज रख दीजिए इसको, इसको चेक कर लीजिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है कहीं। देखिए माइनस जो पॉइंट है, मतलब ये लाइन ट्रैक इसका जो लाइन है सही है, इसका जो ट्रैक है सही है, बट आपको ग्राउंड सही है कि नहीं वो चेक करना है आपको। ठीक है, तो ग्राउंड का जो लाइन होता है उसका पीछे होता है। ठीक है, देखिए ये वाला ऑप्शन होता है ग्राउंड का और ये वाला होता है ग्राउंड का पॉजिटिव ऑप्शन है वाला। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन जो है पॉजिटिव का ग्राउंड का। ठीक है, ये सिम के पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, तीन तीन डॉट डाल दिया, बीच वाला तीन डॉट का पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यह पॉजिटिव ऑप्शन है।
मोबाइल का है, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच का जो पॉइंट है प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ओके। तो अभी मैं आपको इसको चालू करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए देखिए ये पॉजिटिव हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, प्लस स्टार, ये माइनस, अब यहाँ से ग्राउंड वाइक ले लीजिए, ठीक है, तो ग्राउंड हो गया माइनस, अब जब इसको टच करते हैं मोबाइल ऑन हो जाएगा, चेक कर लेता हूँ ऑन क्यों नहीं हो रहा। देखिए प्लस हो गया, तो सेट इसका वायर निकल गया है, तो इसके लिए नहीं खुल रहा है, ठीक है, इसके लिए ऑन नहीं हो रहा था, पावर खुल गया इसका, तो कैसे ऑन होगा, बिना बैटरी का तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से प्लस में लगा देते हैं इसको, इसका माइनस में लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ से आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से पीछे से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया मेरा और ये नेगेटिव हो गया, तो इसको टच करके रखते हैं, देखिए ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया यार मोबाइल, जब ही ऑन हो गया देखिए चालू हो गया मोबाइल, ठीक है। मैं पीछे से ऑन किया, आपका अभी तो कस्टमर को ये देना है, तो कैसे दीजिएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना, देखिए तो बटन आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए मैं प्रेस करके रखा हूँ, बट ए बटन देखिए आप टच करते ही देखिए काम कर रहा है सब कुछ, बट देखिए वाला रेड वाला जो बटन होता है हम लोगों का ऑन ऑफ स्विच का, ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी आपको सुना सिंपल सा दिखा रहा हूँ क्या करना है, आपको आपको करना यही है, आपको जंपर करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे जंपर कीजिएगा, ये जो प्लस वाला बीच वाला पॉइंट है आपको यहाँ पे है, यहाँ से लेके आपको इस प्लस में इसका पॉइंट में आपको जंपर करना है यहाँ पे आपको, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको जंपर लगाना है, यहाँ से लेके आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। और नेगेटिव तो आपको मिल रहा है, तो नेगेटिव का जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार ट्राई जंपर लगा के देखते हैं प्लस वाला, अगर नहीं नेगेटिव आपका नेगेटिव कनेक्शन नहीं आ रहा है, फिर आप यहाँ पर भी जंपर कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ किसी भी ग्राउंड आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बीच वाला मैं आपको यहाँ पे जंपर करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको जंपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जंपर लगा दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे जंपर कर दिया हूँ, ठीक है। तो अभी आपको इसको सामने भी करना है, ठीक है, तो इसको मैं सामने करता हूँ,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं जम्पर लगा दिया हूँ, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बीज वाला में मैं जम्पर लगा के इसके पीछे से लेके मैं यहाँ तक जम्पर कर दिया हूँ, तो क्या आपको भी इस तरह का जम्पर करना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप ये कर दीजिए, ठीक है, उसको ऐसे कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बैटरी लगा के चेक कर सकते हैं आपको यहाँ ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ग्राउंड में चला जाता हूँ, इसको आप यहाँ पे लगा देता हूँ, देखते हैं। देखिए अभी यह ऑन हो गया, ठीक है, तो कपड़े अभी सही हो गया है। देखिए सब कुछ काम कर रहा है, मतलब तो ग्राउंड आपको देखिए ग्राउंड में आप नेगेटिव काम कर रहा है, तो इसको और आपको ये करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे और जम्पर लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बीच वाला काम नहीं कर रहा है, जो कि प्लस पॉइंट जो है आपको काम नहीं कर रहा है, बट माइनस आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है आपको अलग से आपको ये करने का, ठीक है। देखिए अभी पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, देखिए देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। आपको इसको बंद करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए बंद कर दिया मैंने, फिर से आपके सामने चालू करके दिखाऊंगा। देखिए इसका बैटरी का मैं निकाल देता हूँ, देखिए फिर से चालू करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए चालू हो गया है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम था मेनली आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह का अगर किसी भी कोई भी मोबाइल है आपके पास नोकिया का 1133-35, तो देखिएगा उसका जो प्लस वाला पॉइंट होता है ज़्यादातर इसके पीछे यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से एक जम्पर लेके आपको इसका बीच वाला पॉइंट आपको कर देना है, ठीक है। तो आपका मोबाइल का जो है सेट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं इसका भी बाद में लगा देता हूँ सब कुछ इसका, ठीक है, सेट करके आपका। अभी और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सब कुछ लगा देना, जैसे आप इसको निकाल रहे थे आप इसे लगा दीजिए इसको, जैसे लगा खोले थे उसको लगा दीजिए, मोबाइल बन गया आपका पूरा एक प्रॉपर काम करिए। सब बैटरी लगा दीजिए, अब इसको ऑन कर दीजिए, ऑन हो गया, ठीक है। तो आपका ऑन हो गया, तो मोबाइल जो आपको प्रॉपरली चालू हो गया, ठीक है। अब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए देखते रहिए मेरे इस तरह वीडियो को, इस तरह का मैं और भी बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारा मैं वीडियो लेके आऊँगा इस तरह का, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कमेंट एंड लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ जानना है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, तो आपका ही फायदा है इसमें। मैं जब भी कुछ नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों गुड बाय, आज के लिए इतना ही।